हेलो गाइस, मैं हूं नूर्स के और वेलकम टू माय मैक्स फिल्म्स। आज हम आए हैं रामपुर के एक मशहूर मुल्ला जी फ्राई वाले के पास। जी हाँ, सही सुना आपने, मुल्ला जी फ्राई वाले। रामपुर से 30 किलोमीटर पड़ता है स्वार, रामपुर की एक तहसील है स्वार, जहाँ से अभी अब्दुल्ला आजम खां विधायक बने हैं। उसी तहसील में ऑन रोड मस्जिद के सामने है मुल्ला जी फ्राई वाले। आज हम यहीं के पास आए हैं, देखिए फ्राई ये दिखा रहे हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं फ्राई खाने, मैंने खुद यहाँ अपने आंखों से यहाँ लोगों को मुरादाबाद तक से आए हुए देखा है। बहुत दूर दूर से आते हैं क्योंकि इनका जो टेस्ट है मुल्ला जी का, फ्राई करने का तरीका है, अंदाज़ा है, सबसे डिफरेंट है पूरे शहर ज़िले में। क्या मैं कहता हूँ 50-60 किलोमीटर तक भी इनके जैसा फ्राई बनाने वाला शायद ही होगा ऐसा। तो फाइनली हमारा चिकन आ चुका है, तो ये है कुछ हमारा चिकन, देख रहे हैं आप इसे। ये अंदर तक बहुत ज़्यादा ही गला हुआ है, इसीलिए जो यहाँ का फेमस है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो यही वजह है। देखिए आप देख सकते हैं कितना अंदर तक ये पका हुआ है, जूसी चिकन है, यही मेन वजह है जो यहाँ तक इतनी दूर से लोग आते हैं। मैंने यहाँ देखे हैं बहुत बहुत दूर से लोग, हाँ 50-50 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर मैंने खुद अपनी आंखों से आए हुए देखे हैं। तो उसकी वजह जो है वो यही है कि यहाँ का चिकन की जो क्वालिटी है वो देखेंगे आपके, यहाँ से गला हुआ भी है, क्रंची भी है, जूसी भी है। ये क्वालिटी मुझे नहीं लगता कि पूरे ज़िले में क्या यहाँ आस पास भी कहीं 100 किलोमीटर तक भी मिलती हो। यही स्पेशलिटी है यहाँ। तो आप टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको कैसा लगता है। जैसा का आपने भी नाम सुना होगा, मैंने भी बहुत, मैं तो आता ही रहता हूँ तकरीबन, तो महीने में 2-3 बार आता हूँ यहाँ का चिकन खा कर, जब भी जाता हूँ तो बार आता हूँ, तो हो जाओ बस वो ऐसी है क्या। वैसे तो हमारे शहर में भी कई जगह मिलता है चिकन फ्राई, लेकिन जो टेस्ट क्वालिटी यहाँ है वो। तो आज हम बहुत दिन से के बाद मुल्ला जी टाइम लेके आज आए हैं हम इनके पास, इनकी शॉप पर। तो अभी आपसे इनकी कुछ बात कराएंगे, पूछवाएंगे। चलिए आइए बात करते हैं मुल्ला जी से। सबसे पहले सलाम करना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, बताइए सर। तो ये आप यहाँ कितने टाइम से लगा रहे हैं? 22 साल हो गए यहाँ पर हमें लगाते हुए। तकरीबन 22 साल से ये यहाँ लगा रहे हैं, कंटिन्यू रोज़ दुकान लगती है इनकी। तो आपको कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? ये सुबह जो है 10 बजे तक लगभग मैरिनेट करके रख देते हैं, 7 से 8 घंटे मैरिनेट करते हैं, फिर उसके बाद 5 बजे लगाते हैं, रात को 5 बजे से 10 बजे तक। अच्छा, शाम को 5 बजे से 10 बजे तक इनकी शॉप खुलती है, छुट्टी तो नहीं होती किसी की? नहीं, छुट्टी कोई नहीं है। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? कहाँ है? रामपुर, मुरादाबाद, काशीपुर, बासपुर और हमारा पूरा क्षेत्र, यानी कि उत्तराखंड तक से लोग आते हैं यहाँ फ्राई खाने। अभी मेरे सामने भी एक गाड़ी आई है, वो आके रुके हैं, बड़े दूर से आ रहे हैं लोग, उत्तराखंड से आए हैं शायद। तो वो देख रहे हैं आप कितना बढ़िया टेस्ट है इनका और कितना अच्छा चलता है, माशाल्लाह नाम भी बहुत है। उस हिसाब से मैं यहाँ देखता भी हूँ, काम भी तकरीबन यहाँ कई क्विंटल शायद लग जाता है रोज़ का फ्राई। कितना कितना यहाँ लग जाता है आपका रोज़? ये 150 किलो से लगभग 200 किलो तक हो
हो जाता है। तो समझ लीजिए कि दो क्विंटल तक एक फ्राई खाली चलाना, इसका मतलब समझ रहे होंगे आप कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इनके पास। तो आपने आइडिया कहाँ से है आपके पास ये चिकन फ्राई? ये हमारी एक शॉप गुजरात में हुआ करती थी 1995 में। अच्छा, तो ये आइडिया वहीं से है और ये जो सिस्टम है हमारा वहीं का है। अच्छा, गुजरात से के अहमदाबाद से हमारा हुआ करता था ये धंधा। अच्छा, तो वहाँ पर हमने बंद करके हमने यहाँ चालू कर दिया था 2007 में, लगभग 10 साल हमने वहाँ किया था। अब देखा ये जो टेस्ट है गुजरात से आया है, एक्चुअली 95 से ये गुजरात में करते थे काम, वहीं का टेस्ट, वहीं के मसाले, वही तरीका लेकर आप ये रामपुर आए हैं सुहारा वाले के लिए 2007 से। 2007 से यहाँ कंटिन्यू इनका दुकान चलता है, डेली खुलता है। मैं भी आता हूँ यहाँ हर महीने, महीने में 2-3 बार आता हूँ, तो देखता हूँ कैसी भीड़ होती है, बैठने की जगह नहीं होती है, लोग वेटिंग में होते हैं। तो एक्चुअली दिनों में जो छुट्टी वाले दिन होते हैं उस दिन तो बहुत भीड़ होती है, लोग सड़कों पर बैठ के खाते होते हैं। मैंने भी एक्चुअल में कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बाहर सिलेब पर खड़े होकर खाया है, क्योंकि टेस्ट के लिए आदमी आता है। आदमी वैसे तो चीज़ हर जगह मिल जाती है, हर शहर में इजी अवेलेबल होती है, लेकिन जो टेस्ट होता है उसके लिए तो आदमी बहुत बहुत दूर जाता है। तो मेन वजह जो है इनकी जो टेस्ट है, क्वालिटी है, जो उसमें स्मूथ है, इनका चिकन क्रंची भी है, उसके लिए जो आदमी है बहुत दूर दूर से आता है। अब इनसे बात करते हैं, आप कहाँ से आए? भाई रामपुर से। रामपुर से आए तो यहाँ आते रहते हैं, पहली बार आए? जी मैं आता रहता हूँ। जी देखिए आप रामपुर से आए हुए हैं, तकरीबन 30 किलोमीटर दूर से खाली चिकन फ्राई खाना है। इन जैसे आपने खाया कभी? नहीं, इन जैसे मैं टेस्ट रामपुर में गई। नहीं, रामपुर में टेस्ट ऐसा नहीं है, यहाँ का टेस्ट बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छा टेस्ट है। आप भी रामपुर से आए? जी मैं भी रामपुर से आया हूँ, और इनका जो है वो चिकन फ्राई बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा लजीज, जिसके कोई जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। मुल्ला जी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आदमी है, और हम लोग हर फ्राइडे या फ्राइडे के बीच में या अपने फ्रेंड के साथ में जब भी मौका मिलता है तो आते हैं यहाँ पर। ख़ास तौर से अपने रामपुर का छोड़ने के बावजूद हम लोग यहाँ आते हैं, और सिर्फ जायक़े के लिए इनके, कि जिस तरह इनकी तारीफ और जिस तरह इनके उसके साथ साथ इसका जायक़ा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा, जिसका कोई जवाब नहीं है। और माशाल्लाह से बहुत मुनासिब रेट में भी देते हैं ये, और हर तरह से हर क्वालिटी देख लीजिए आप पूरे शहर में देख लीजिए, चाहे वो सुहार हो या अपने रामपुर हो। हालाँकि हर जगह बहुत सी जगह है कि अलग अलग फेमस है, लेकिन हम लोगों को जो ज़्यादातर अच्छा लगता है वो मुल्ला जी का एवन जी सुहार का फ्राई। बहुत आपने बात करी, देखिए अभी दर्शक थे यहाँ खाना खाना हुए थे, मैंने आपसे बताया कि कहाँ से आए कैसे हैं, तो ये भी बता रहे हैं हर फ्राइडे आते हैं, क्योंकि जो टेस्ट है रामपुर में शायद मेरे हिसाब से 40-50 दुकानें होंगे फ्राई की, लेकिन जो टेस्ट यहाँ पर है वो पूरे शहर में कहीं नहीं है, इसीलिए आदमी बहुत बहुत दूर से यहाँ सिर्फ फ्राई खाने आता है मुल्ला जी का। तो मुल्ला जी आप अपना एड्रेस बताइए लोगों को, कैसे कहाँ पड़ेगा? ये रामपुर से 30 किलोमीटर सुहार होता है, तहसील सुहार, जिला रामपुर, ठीक है, मैन अड्डे वाली मस्जिद के सामने, बस स्टैंड सुहार, ये एड्रेस है हमारा। ये सामने देखिए मस्जिद दिखा दी है मेरी, जो मस्जिद है इसके बिल्कुल गेट के जस्ट सामने जो है रामपुर से आ रहा है, और ये रोड है बासपुर के लिए, उत्तराखंड जाता है रोड। जी जी नैनीताल वाले रोड पर है। तो ठीक है, आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगली जगह, अगले स्टेशन, अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।